एग्जामिनेशन इन May 24 अटेम्प्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइस जो एक ही चीज पर उनकी सुई अटकी हुई अभी तक कि मैम इस बार एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं क्या, होंगे तो कब तक होंगे, डेट्स कब होंगे, इंस्टीट्यूट रिवाइज डेट शीट कब तक भेजेगा, इलेक्शन कमीशन कब तक अपना डेट्स अनाउंस करने वाला है. बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है जबकि अभी एक्चुअल चीजें जो चलनी चाहिए दैट इज रिविजन कब करना है, पेपर सॉल्व करना है, दिस दैट. बट आपका जो पूरा फोकस है वो बस एक चीज पे है, दैट इज पोस्टपोनमेंट. और अगर आप भी इसी चीज के बारे में सोच रहे थे तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई कन्फेस आई हैव बीन वेस्टिंग माय टाइम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस पोस्टपोनमेंट. अभी इलेक्शन कमीशन ने, अगर आप रिसेंटली देखोगे यू कैन सी द स्क्रीनशॉट्स हियर, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 13th of March के बाद हम शेड्यूल देने वाले हैं पोल डेट्स का, इलेक्शन पोल डेट्स का. लाइकली दिस इज नॉट फिक्स बट लाइकली शेड्यूल अनाउंसमेंट होगा 13th of March के बाद. उसके बाद समझो इंस्टीट्यूट ने खुद का रिवाइज डेट शीट सपोज 15th March तक रिलीज किया, तो अभी 15th March को भी अप्रोक्सीमेटली 20 days बचे हैं. आर यू गोइंग टू वेस्ट 20 more days? अब समझ सकते हो 20 days में एक स्टूडेंट के 2 subject हो सकते हैं. अभी 45 days तो ऑलरेडी वेस्ट कर दिया आपने, ये 20 days और वेस्ट करोगे तो यू आर कटिंग दैट टाइम फ्रॉम योर रिविजन, यू आर कटिंग दैट टाइम फ्रॉम योर पेपर सॉल्विंग. गाइज दिस इज द गोल्डन अटेम्प्ट फॉर यू, बिकॉज वट आई थिंक इज अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गई सपोज, जनरली अगर पास ट्रेंड्स अगर अपन देखते हैं तो 20th to 30th May के बीच में आपकी इस बार एग्जामिनेशन होंगी, दिस इज वट आई फील. तो अगर अभी तक आपके पास लेट से 2.5 से 3 महीने है, सपोज 2.5 से 3 महीने है, तो वाई डोंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स. गाइज आप सोचो 45 days आ गए आपके रिजल्ट आके और अगर आप अभी तक अपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो दिस इज अ अलर्ट साइन फॉर यू. जल्द ही चैनल पे एक स्टडी प्लान का वीडियो मैं जल्दी डालने वाली हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोज, ICAI न्यू कोर्स रिलेटेड अपडेट्स, जो भी वेबिनार समरीज वगैरह है सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है. तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना. इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि एग्जाम पोस्टपोन होगी, ये जो सिचुएशन है अपने फेवर में यूटिलाइज करते हैं ना, ये अटेम्प्ट ना आपको या तो बहुत ज्यादा फेवरेबल रह सकता है या बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है ये एक्स्ट्रा जो 15-20 days मिलने वाले उसका. बिकॉज क्या होगा पता है, जो अपने फेवर में यूटिलाइज करेगा ना, वो जो स्टूडेंट एक ग्रुप देने वाला था वो बोथ द ग्रुप्स भी दे सकता है बाय यूटिलाइजिंग दैट एक्स्ट्रा टाइम. जो एक ही ग्रुप देने वाला था वो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेगा एंड ही विल फिक्स इट कि इस बार एग्जामिनेशन में क्लियर कर ही लूं. लेकिन वाइसा वर्सा जो स्टूडेंट लेट्स से 2 ग्रुप्स देने वाला था वो 15th March तक वेट करता है, उसके बाद वो सोचता है यार अभी मैं पढ़ाई को बैठूंगा, लेकिन इमीडिएटली क्या वो 10-12 घंटे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता. वो फ्लो एस्टैब्लिश करने के लिए उसको 10-15 दिन और चले जाएंगे और फिर लास्ट में बचेगा बस 1-1.5 महीना, जहां पे एग्जाम का पैनिक तो है ही, प्रेशर तो दैट इज गोइंग टू रिमेन, लेकिन उसके साथ एडेड रिग्रेट रहेगा कि यार मेरे पास इतना टाइम था और मैंने पूरा वेस्ट कर दिया. तो मैं इसीलिए बोल रही हूं अगर सिंगल ग्रुप देने वाले थे तो बोथ द ग्रुप्स दो, टाइम वेस्ट मत करो. अगर आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, मुझसे बात करनी है रिलेटेड टू द स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान, चैप्टर वाइज प्लानिंग, तो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो. यू कैन रजिस्टर फॉर द इंस्टेंट फोन कॉल सेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. इट इज जस्ट दैट डोंट वेस्ट एनी फर्दर टाइम. वो आएगा यार जब आना है डेट, तब आएगा. अरे इतना वास्ट सिलेबस है, सपोज आपको सब भी आता है, मैक्सिमम क्या होगा 15-20 दिन का पोस्टपोनमेंट, 15-20 दिन का पोस्टपोनमेंट रिविजन के लिए यूटिलाइज करना ना. आपकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखो कि मेरी एग्जाम 1 May को है, तो सपोज 25 May को एग्जाम होती है तो वो 25 days मिलेंगे ना बेटा फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा सॉल्विंग, एक्स्ट्रा RTPs, एक्स्ट्रा पेपर सॉल्विंग, रिविजन, सबके लिए वो एक्स्ट्रा टाइम ही है ना. So don't waste time, guys. I am telling you, this is the attempt to be capitalized upon. एक ही ग्रुप देने वाले थे तो बोथ द ग्रुप्स की प्रिपरेशन करो, मिनिमम एग्जेम्पशन तो एम करो ही करो. एक ही ग्रुप बचा है तो सेल्फ पेस्ड की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो या फिर आगे के क्लासेस देखो, जो भी है. इट इज जस्ट दैट डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग अबाउट द डेट्स, बिकॉज वो 13th March के बाद आ गया, आप और 20 days वेस्ट करोगे और ये 20 days दिन का मैं एवरेज 7 घंटे भी समझती हूँ, मतलब इसके आगे 150 घंटे का और नुकसान, 150 घंटे मतलब मिनिमम 2 सब्जेक्ट का नुकसान. यू नो लास्ट मोमेंट आके बच्चे मुझे बस एक बात बोलते हैं कि मैम 4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते ना तो मैं ये ग्रुप क्लियर कर लेती, मैम यार लास्ट मोमेंट 2-3 घंटे कम पड़ गए बस ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेती और मेरा अटेम्प्ट बच जाता. व्हाई आर यू रिस्किंग? इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग आप रिस्क कर रहे हो आपका अटेम्प्ट. दैट इज द अलर्ट साइन विच आई वॉन्टेड टू गिव यू इन दिस वीडियो. बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है. जल्द ही स्टडी प्लानर मैं चैनल पे डालने वाली हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वो स्टडी प्लान फॉलो करके रखना. और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द इंस्टेंट फोन कॉल सेशन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, ठीक है. पढ़ाई करना शुरू करो, वी कांट अफोर्ड एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम. बिलीव इन योर सेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट. विश यू ऑल द बेस्ट.